तो बहुत खुशी की बात है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तो प्यारे बहन भाई, आज जो है बहुत ही बड़ा जो है सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए। अभी जी चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, चाय जय बन चुकी है और तवा भी ऊपर रख दिया है। रात पड़ रहा है जी, लेकिन माशाल्लाह रोटी जो तैयार हो चुकी है। ये रोटी तो ये सालन, तो अम्मी जी 20 मिनट रह गए, जब जल्दी जल्दी कर लें। क्या पी रहे हो, क्या है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हम भी जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैया, कैसे ठाक हैं? जहाँ भी हैं खुश हैं, बात हैं, हंसते मसाक हैं, बोलो की तरह अलहमदिल्ला। मैं बिल्कुल ठाक हूँ, फिट फाट हूँ आपकी दुआओं से। तो हम अच्छे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो सारे के टाइम है, तो सारे की तैयारी जो मुकम्मल है, अभी मुकम्मल कर रहे हैं। तो चाय बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे, और जो है बना के फिर खाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो रहना हमारे साथ साथ, वीडियो से पिक नहीं करनी, हमारे साथ जुड़े रहना। जो न्यू है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी चलते हैं जी, तो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या करें। फिर जो आपके साथ शेयर करते हैं, और जो है आपको जो है दिखाते हैं क्या बना रहे हैं। सहरी का टाइम है ना, अभी वो भी उठे हैं, सहरी करनी है, बनानी है, फिर करनी है, फिर जो करके फिर नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करके तो फिर जो है सो जाएंगे। ठीक है जी, अभी चलते हैं, इतना टाइम नहीं लेता आपके लिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी जी चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मी जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तबीयत भी ठीक है। अल्लाह पाक का करम है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक हैं। तो अभी जो है सहरी का टाइम हो चुका है, तो हम बना रहे हैं अपनी सहरी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि रात की जो है हमारे यहाँ हो रही है बारिश, मौसम जो है बहुत ख़राब बना हुआ है। तो कभी बारिश आ जाती है, कभी रुक जाती है। तो लाइट जो है तकरीबन रात 9 बजे से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़ आंधी के साथ। तो अभी तक जो है वो भी बादल छाए हुए हैं और हवा जो है वो रुक गई है, लेकिन 9 बजे की लाइट चली गई है, अभी तक भी नहीं आई। तो हमारे यहाँ ये देखें बल्ब जल रहे हैं, लेकिन पंखे जो हैं वो देखें ये बंद है। तो पंखे जो है ये बंद करके हैं, ये बताऊँ मैं आपको अपनी बात, जो सच बात है वो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोलर नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई लाइट है, कुछ भी नहीं है। तो अंधेरे में बच्चे सोते नहीं थे, रो रहे थे, तो अकरम भाई ने वो बिजली वाला जो सिस्टम है वो कर दिया था बंद, क्योंकि वो है ना फ्यूज़ वगैरह उन्होंने वो निकाल लिए हैं बिजली वाले। तो हमारी तार भी है वो अपने, वो क्या कहते हैं, अपने कमरे में जो उन्होंने बनाया हुआ बिजली वाला सिस्टम, वहाँ पर उन्होंने हमारी तार लगा दी है। कि वो कह रहे हैं कि इतनी तो नहीं बैठ रही वो काफ़ी थी ना, तो आपने फ्रिज भी नहीं चलानी, पंखे भी नहीं चलाने, खाली बल्ब जो है वो चला लो, बच्चे जो सुकून से सो जाएंगे, अंधेरे में बच्चे नहीं सोते, डर जाते हैं। तो इसलिए ना रात 9 बजे के उनकी यानी कि अकरम भाई की जो है बिजली सोलर प्लेट बैटरी जो है वो काम आ रही है हमारे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब फुर्सत मिलेगी तो हम भी ले आएंगे। अभी गर्मियाँ जो शुरू शुरू हो स्टार्ट हो रही हैं,
तो बिजली का यही प्रॉब्लम है, कभी आंधी होती है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ भी नहीं होता, तो पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात जो लाइट नहीं आती। तो मच्छर बहुत होते हैं, गर्मी भी बहुत होती है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, रोते भी रहते हैं। तो हमारा ये सोलर सिस्टम वाला निज़ाम नहीं है हमारे पास, तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक ये भी हमारे साथ जल्द से जल्द पूरे कर देगा। लेकिन अभी तक अभी जो है अकरम भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माह रमज़ान है, सहरी बनानी पड़ती है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अंधारे में और घर में जो है ना सब सामान वगैरह अभी बिखरा पड़ा है, काम अधूरा है। तो इसलिए डर भी लगता है क्योंकि आजकल जो मौसम है ना ये बहुत गंदी है, जैसे बिच्छू नाग ऐसा वैसा चीज़ें आ जाती हैं। तो खैर अल्लाह पाक खैर करें, चाय मैंने चढ़ा दी लेकिन इसमें कुछ भी नहीं डाला। बहन भाइयों के साथ मैं बातें कर रही थी तो चीनी और पत्ती जो है मैंने नहीं डाली। और इस टाइम ना जल्दी होती है तो इसलिए सब कुछ इकट्ठे डाल देते हैं, दूध पानी और चीनी आटी इकट्ठे डाल के ना जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। कभी कभी तो अल्लाह जो है ना उबाइल कर लेते हैं पानी पत्ती को और फिर दूध डाल देते हैं, चाय बहुत अच्छी बन जाती है। अभी जो है इसको कर देते हैं बंद, आगे का जो काम करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरी जो है छोटी सी रिक्वेस्ट होती है बहन भाइयों के लिए, देखने वाले जहाँ भी रहे ना जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कॉमेंट करें। तो जिन्होंने किया हुआ है उनका कहते हैं शुक्रिया अदा करता है दिल से। और क्या अपने बहन भाइयों के साथ रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी कर दिया। माशाल्लाह जी चाय जो बन चुकी है और तवा भी ऊपर रख दिया है, अभी प्यारे बनना स्टार्ट है। बनाते हैं रोटी। हाँ जी। और आपका सालन जो है मैंने कटोरी में डाल दिया है। हाँ जी। और साथ में ये बनाई थी मीठी लस्सी। हाँ जी। क्योंकि ये होती है ठंडी। हाँ जी। और कुछ की भी नहीं होती, वो दूसरी बनाते हैं ना नमकीन। हाँ जी। वो बहुत खुश्की करती है हमें। खुश्की भी होती है तो फिर ये। इसलिए ना हम इसको ना मीठी लस्सी बनाई है। हाँ जी। पहले पहले ना खाली पेट एक एक गिलास हमने पी लिया है, गिलास मलमल में पिया। हाँ जी। एक मैंने पिया है क्योंकि मैदा जो है वो ठंडा हो गया। हाँ जी। तो रात जो है हमने बनाए थे करेले। हाँ जी। बड़े शौक से खाए। हाँ जी। हमारी फेवरेट सब्जी थी। हाँ जी। तो मैदा जो है हीट पकड़ गया है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना। हाँ जी। तो इसलिए अभी जो है हमने रोज़ा वो क्या खा रहे हैं चिकन और आलू जो है वो साहिबा ने बनाए थे। हाँ जी। तो रात को उन्होंने दिया था, मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा सहरी टाइम ना हम दोनों यही खा लेंगे। हाँ जी। जो जो रोजे रखने वाले हैं ना वो इसके साथ खा लेंगे। हाँ जी। बाकी जो बच्चे हैं वो तो बच्चे हैं ना छोटे, वो करेले के साथ खा लेंगे। हाँ जी। तो अभी जो रोटी जो बनना स्टार्ट हो गई है तो ये भी रोटी भी लगा ऊपर रखेंगे डालेंगे और जो घी भी लगाना है ना। Oh,
मैं जो है बाहर आ चुका हूँ, तो ये जो है कारी साहब जो है नाद पा रहे हैं, तो आपको सुनाने आ गया हूँ। तो अभी देखें कैसी नाद पा रहा है जी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी साहब जो है नाद पढ़ते रहते हैं, अभी जो 40 मीटर रहते हैं सारी, ठीक है जी। तैयार हो चुकी है ये रोटी, तो ये सालन तो किसने करनी है, सारी हमारे साथ खा सकता है अभी जो, और भी बन रही है रोटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी बना रही हूँ। फिर भी तुम्हारे सामने, हाँ जी, तो अम्मी जी 20 मिनट रह गए, जब जल्दी जल्दी कर लें। 20 मिनट रह गए सर। हाँ जी, चलो मैं पहले ना खाना खा लेती हूँ। हाँ जी, बाद में ये 3-4 रोटियाँ बनानी है, फिर बना लूँगी। हाँ जी, पर टाइम भी ना हो जाए पूरा। हम तो खा लिया, तो हमें चाय पिला दे, हम चाय पियेंगे फिर आप खाना चलूँगा। अभी जो है नमाज अदा कर लिया है, हम जो है नमाज शमाज पढ़ लिया है, तो बहुत खुशी की बात है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो बहुत खुश हैं बहुत। तो इतने अरसे बाद हमारी खुशी आ रही है, तो इतने अरसे बाद हम इदा करते रहे करते रहे करते रहे, तो हम बहुत खुश हैं बहुत। तो पर कौन सा आ रहा है सरप्राइज़, तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। तो हम जो है जब आएगा तो फिर जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, अभी जो है खुशी की बात है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम हैप्पी हैं, और सबके लिए दुआ भी मांगते हैं, नमाज भी 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, और जो है रोज़े भी पूरे रख रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो अभी जो चलते हैं जी आगे, तो देखते हैं क्या हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, जो बच्चे जो हैं चले गए हैं नानी के पास, तो मीरान जो है बाल कटाना था, तो बीबी जो है जैनब जो है वो जा रही है, तो बीबी जो कपड़े उठाने हैं, कपड़े नाप वाले, तो उठाएंगे फिर उसको धोएंगे, दो शौक के फिर जो है सुखा के पैर आ जाएंगे, फिर जो है आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। अभी जो है अभी नहीं है, तो घर पे जो होगा फिर जो आपके साथ शेयर करते हैं। वो क्या है, हाँ बोतल पी रहे हो? अच्छा, कहाँ से लिया? दादी से। चले जी, बोलो जी, बोतल पी रहा है जी, माशाल्लाह। अभी जो मौसम जो है साफ शफा हो गया है, तो रात जो इतना बारिश आई थी, इतना बारिश आई थी, ये देखिए कितनी बहुत बड़ी शाबर आई थी। ये तो प्यारे बहन भाई, आज जो है बहुत ही बड़ा जो है सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए, तो अभी जो है नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है, टाइम हुआ है, अभी 2 बज चुके हैं तकरीबन आपको मिलेगा शाम की वीडियो में, नहीं वो तो सरप्राइज ही नहीं रहा, क्योंकि अभी जो टाइम है ना 2 बजे का टाइम है, तो सरप्राइज जो है मुखलिस लेने गए हैं, जैसे वो शहर से वापस आते हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी तकरीबन उम्र जो हो चुकी है बहुत बहुत गुजर चुकी है, इंतजार करते 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 बरसों के ख्वाब जो है आज मेरे पूरे होने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नेक महीने के सदके, माह रमजान के सदके, अल्लाह पाक जो है तमाम बहन भाइयों के दिली ख्वाहिशें जो जो भी ख्वाब हों अल्लाह पाक उनके पूरे कर दें,
और जो है जैसे मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं और बहन भाइयों ने दुआ भी करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। तो जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, सब जो है ना दिल्ली, उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक पूरी फरमाए, अपने गैब से खजाने से हमें अता फरमाए। हम तो इंसान हैं, बहुत छोटे से इंसान हैं, 24 घंटे हमसे गलतियाँ कुताहियाँ होती हैं। तो आज जो है दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है, आज 21वां रोज़ा है माह रमजान का, 21वां रोज़ा बहन भाइयों को मुबारक हो। और जो है बहुत ही इबादत का दिन है, बहुत ही बहुत अच्छा दिन है। तो इस दिन के सदके और इस माह रमजान के सदके जो है अल्लाह पाक मुझे खुशियां ही खुशियां अता फरमाए, जितनी अल्लाह पाक मैं मांग सकती हूँ, जितनी मेरी मांगने की मुझे नहीं आता, वो वाल जैसे होता है मांगने का, वैसे मैं नहीं मांग सकती, लेकिन नमाज में, अपने रोजे में, इबादत में, हर वक्त हर इंसान को मांगना चाहिए अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक देने वाला है, अल्लाह पाक की जात बड़ी बड़ी मेहरबान है। तो ये भी एक अल्लाह पाक की तरफ से जो कुछ भी होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है, इंसान का कोई बस नहीं होता, जैसे भी मिलनी चाहिए उनको, जैसे भी आनी चाहिए, खुशी हो, गमी हो, परेशानी हो, अल्लाह पाक की तरफ से आती है। तो ये भी मेरा बरसों का ख्वाब जो है पूरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खुशी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो भी मेरी होती है प्रॉब्लम वो मैं बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर इसलिए करती हूँ कि बहन भाइयों मैं मांगने नहीं आई, मांगने रही, सिर्फ जो है दुआ की अपील है, दुआ करती हूँ, दुआ के लिए आप लोग को कहती भी हूँ कि हमारे लिए जो है आप लोग ने बहुत सारी दुआएं करनी है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, तमाम मेरे रिश्तेदारों के लिए, जो मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी है ना, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और तय दिल से मैं भी सब जो भी इस धरती पे इंसान है अल्लाह पाक ने बनाया है, जिस अकीदे में रहते हैं, सब को अल्लाह पाक ने बनाया है, सबके लिए मैं भी दुआ करती हूँ। तो दुआ की अपील होती है और मैं कुछ नहीं कह सकती। तो बड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है, मुखले जो है वो शहर चले गए हैं, तो मुझे रोजा था। उनको भी ये भी आपको कह दूं कि कल की जो ना रात की जो हमारे बहुत आंधी आई, ऐसी बहुत तेज, मैं बता नहीं सकती ना, इतनी बिजली की चमक धमक, इतनी जोर जोर के कड़ाके, बस अल्लाह पाक से इंसान को माफी मांगनी चाहिए, इतनी हम डरे हुए थे इतनी जोर से। तो अल्लाह पाक ने रहमत की है, बारिश जो दी है वो रहमत होती है, कोई मजीद नुकसान नहीं हुआ है, इतनी जोर भी जोरदार भी बारिश नहीं थी, नॉर्मल अपनी रहमत बरसाई है उन्होंने, वो भी रोजे के टाइम से कुछ देर पहले। तो फिर जो है ना रोटे रोजे रखने की जो है वो सहरी का टाइम हो गया, फिर हमने सहरी रखी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो उठे मौसम बिल्कुल साफ था, अल्लाह पाक का ये शुक्र है, वो ही सब कुछ करने वाला है, वो बेनियाज है, जैसे चाहे वो कर सकता है, हम इंसान तो इंसान है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर वक्त तो इंसान को तौबा करनी चाहिए, सब जो इंसान है, बहन भाई हैं, सब के लिए दुआएं करनी चाहिए, जो बीमार है उन्हें उसको ना अल्लाह पाक जल्द से जल्द से अत्याब कर दे, जो मजदूर हैं चल फिर भी नहीं सकते, अल्लाह पाक उसे अपने रहम करम से उन्हें चलने फिरने की तौफीक दे। जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं अल्लाह पाक इस माह रमजान के सदके उन्हें नेक साले औलाद दे, उसे खुशियां नसीब फरमाए। तो यही जो है अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये सरप्राइज है हमारा, मैं आप लोग के साथ शेयर करें, जो ही आएगा वो भी ओपन करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है, स्पेक जो है बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरे चैनल को ना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी जो है नमाज का टाइम है, नमाज तो वैसे मैं कोशिश, अपने दिल की बात करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूं नमाज अदा करने से, लेकिन क्या करूं, मेरी टांग का मसला है, मैं ज्यादातर नहीं नमाज अदा कर सकती, काफी नमाजें जो है मेरी छूट चुकी हैं, इस परेशानी की वजह से मैं नहीं नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकती, ना खड़े होके बंदा पढ़ सकता है,
तो टांग का बहुत ज्यादा मसला जा रहा है, इसलिए नमाज नहीं अदा कर सकती, लेकिन कुरान शरीफ जो है वो मैं पढ़ती हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे सरप्राइज मेरा आएगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो है चलते हैं।